सबको नमस्ते। स्वामी न्यूज के विशेष कार्यक्रम में योग व स्वास्थ्य कोरोना से कैसे बचें, इस इम्यूनिटी बूस्टर योग में आज हम आप सभी दर्शकों के प्रश्न लेंगे। हमने बहुत क्रियाएं सिखाई बताई कई दिनों से, कई सारे लोगों के हमारे पास प्रश्न आते हैं, तो आज हम प्रश्नों के रूप में इन सबको उत्तर दे रहे हैं। आज कुछ क्रियाएं ज्यादा करवा नहीं रहे क्योंकि आज मौसम भी कुछ ऐसा प्रभावित है कि आज उद्यान आदि की व्यवस्था और खुले में बैठने की व्यवस्था आज कम हो पा रही, तो आज का समय हम नष्ट नहीं करेंगे। आज हम पूरा समय का सदुपयोग करके कुछ क्रियाओं को जानेंगे और अच्छी जीवन शैली को जानेंगे। अच्छी जीवन शैली क्या हो हमारी, अच्छी जीवन शैली यदि होगी तो हम कैसे अपने शरीर को मन को सबको स्वस्थ रख सकते हैं जिससे हम बीमारी ना पड़े, ये भी तो हमें बहुत आवश्यक है जानना। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बीमार पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद ठीक होने की कोशिश करते हैं, तो आज के कार्यक्रम को हम ऐसा जानेंगे, इतनी सारी जानकारियां हमारे पास हों कि हम बीमार ही ना पड़े। सीधे बैठ करके गहरे लंबे श्वास भरेंगे प्रातरग्निम् प्रातरिन्द्रम् हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम् भूषणम् ब्रह्मणस्पतिम् प्रातः सोममुतरुद्रम् हुवेम प्रातर्जितम् भगमुग्रम् हुवेम वयम् पुत्रमदिते द्युविधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह। ओम स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। तो आज आप लाइव भी कार्यक्रम में सवाल प्रश्न कर सकते हैं, इनका भी उत्तर देने का दिया जाएगा। और उसके अलावा जो कोविड का पूरा एक पैकेज है उसको मैं बता रहा हूं आज, कोविड का कोरोना का पैकेज क्या हो सकता है, पूरा एक पैकेज कैसे कैसे हम क्या क्या करें। तो पहला अभ्यास आपको भस्त्रिका का करना चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं आप सबके मन में जो भी शंकाएं हो इस महामारी को लेकर के आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। हमारे पुनीत टांग जी, सूरज जी, सूरज सिंह जी रावत, ऐसे बहुत सारे और भी दर्शक जुड़े हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हम सबसे पहले करें। सुबह सुबह उठ करके हमें सबसे पहले हमें काम करना है पानी पीने का। आपको पानी पीना है, साधारण पानी पीना है। युवराज जी, अभिषेक जी, आप सबको सुप्रभात। इस वापस से नई प्रभात में फिर से इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। स्वामी न्यूज की पेशकश, यह पेट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा एक कार्यक्रम बना रखा है अभिषेक जी, वो पूरा कार्यक्रम का लिंक आपको भेज देंगे, इसी में आप देखना। पेट कम करने के लिए विशेष कार्यक्रम हमने बनाया है, अभी 5-7-10 दिन पहले भी बनाया था, साल भर में भी हमने 2-3 बार और बनाया था। तो पेट कम करने के लिए पहले मेटाबॉलिज्म ठीक करना पड़ता है, उस मेटाबॉलिज्म ठीक करने के बाद आप आसन करें, वो दोनों के लिए आसन है, मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए भी आसन है और पेट कम करने के लिए भी आसन है। तो दोनों के लिए आपको उस पूरे पैकेज में आसन मिल जाएंगे, उन आसनों का नियमित रूप से आप अभ्यास करें, कपाल भाति करें और एक आहार चर्या का पालन करें। आहार की चर्या यानी कि डाइट प्लान, आपको डाइट प्लान भी भेज देंगे, आप मेरे नंबर पर मैसेज कर देंगे तो आपको डाइट प्लान भेज देंगे। मोटापा, जिसको पेट कम करना है उसका डाइट प्लान क्या, उसका डाइट प्लान भेज देंगे मेरे नंबर पर, आप मैसेज कर देंगे तो आपको पता मिल जाएगा। श्वास पूरा भरते हुए सबसे पहला काम सुबह उठ करके क्या करें, पानी पीने का करें। पेट में उस समय एसिड बनता है,
अम्ल बनता है और मुख में जो हमारी लार होती है वो क्षारीय होती है। तो ये क्षारीय और ये अम्ल ये दोनों जब मिलते हैं आपस में तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जब सुबह सुबह का हम पानी पीते हैं तो पेट में एसिड लेवल शांत हो जाता है और बिल्कुल सामान्य हो जाती स्थिति, और फिर हमारे जो शौच की हाजत जो होती है, शौच की इच्छा होती है और स्वाभाविक रूप से आपका पेट साफ होने लगता है, फ्रेश होने लगते हैं, आपको कुछ भी अलग से लेना नहीं होता। तो पहला पहला तो पानी पीने का काम करेंगे तो हमारा पेट डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। दूसरा काम उठ करके हमें सबसे पहले नाक में तेल लगाना चाहिए, दूसरे में भी लगाएं, ऐसे खींच ले। आयुष विभाग का अणु तेल अथवा पतंजलि का अणु तेल आप कोई भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इन सबसे पहले तेल लगाने के बाद अपने ब्रश आदि जो भी आपकी दिनचर्या के आवश्यक कार्य हैं उनसे निवृत्त होकर के आपको सबसे पहले प्राणायाम करने के लिए बैठना चाहिए। श्वास पूरा भर के ये प्राणायाम करेंगे ना तो आपका ऑक्सीजन लेवल इतना अच्छा रहेगा कि ये ऑक्सीमीटर है, इस ऑक्सीमीटर में आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना आ रहा है। अभी ये चेक कर रहे हैं, ये उंगली लगाई और अभी चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है। तो इसको आपको अभी नोट हो जाएगा अभी कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है, 99 है। तो ये 99 जो ऑक्सीजन लेवल है इसको बढ़ाया 100 तक किया जा सकता है, इसको घटाया 40 30 तक भी घटाया जा सकता है, 50 तक तो हम आज आपको घटा के दिखाएंगे। ऑक्सीजन लेवल कैसे नेचुरली जो है बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या स्थिति क्या है, प्रॉब्लम कैसे इसको सॉल्व करें, तो ऑक्सीजन लेवल के लिए बहुत आवश्यक है प्राणायाम करना। तो ये ऑक्सीजन की वजह से जो मृत्युएं हो रही हैं, जो मौतें हो रही हैं ना, ये सब रुक जाएंगी। आपका यदि अपने प्राणों पर नियंत्रण है तो आप अपने ऑक्सीजन को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। घटाना कोई नुकसान की बात नहीं है, लेकिन घटाई हर किसी से नहीं जाती, हर व्यक्ति घटा भी नहीं सकता। जिसका प्राणों पर नियंत्रण है, जो कुछ शरीर पर कंट्रोल है, जिसका मन पर कंट्रोल है और जिसका अपने श्वासों पर कंट्रोल, वही व्यक्ति घटा सकता है। बाकी तो बढ़ाना चाहिए, आप बढ़ा सकते हैं ऑक्सीजन लेवल। और जितना लंबा ले सकते हैं, जिनको चक्कर आते हैं वो लोग और जिनके हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वे लोग इस तेज अभ्यास को मत कर लेना, आपको धीरे धीरे करना है। ये आपको ध्यान रखने की बात है। सबसे पहले कुछ लोगों के जो प्रश्न आए वो कह रहे हैं कि पूरा एक चार्ट बताइए कि इसमें कोरोना कोविड काल में क्या करें, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल आए पोस्ट कोविड पेशेंट्स के। अभी आप अखबारों में भी, न्यूज में भी, सब में आप देखते होंगे कि वर्तमान में भारत में भी ब्लैक फंगस के जो है पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ब्लैक फंगस का एक मुख्य कारण है जिन्होंने बड़े बड़े स्टेरॉइड्स, एलोपैथिक के बहुत सारी नशीली दवाएं लेकर के और बहुत सारे पैरासिटामोल लेकर के अपने कोविड को कंट्रोल किया और वो सोच रहे हैं कि हम ठीक हो गए। उन जितने भी लोगों को की बात की जाए उनमें से बहुत सारे लोगों को, अब तो खैर अभी तक तो इसका आंकड़ा बहुत कम है, बहुत सारे लोगों को पोस्ट कोविड के कोई ना कोई सिम्टम्स दिखेंगे और थोड़ा जल्दी रिकवरी नहीं हो पाएगी उनकी। तो जिनमें से एक बीमारी है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। हालांकि इसकी भी दवाई तैयार हो गई है, बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन अपने को बचना कैसे है पोस्ट कोविड के लोगों को। कोविड ठीक हो गया, बड़े निश्चिंत हो गए, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें जिससे कि इसके पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। तो आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, पूरा एक कोविड का चार्ट बता रहे हैं करने योग्य। प्राणायाम को छोड़ना नहीं है, प्राणायाम तो रोज करना है,
और पूरा समय देके करना, आधे से पौन घंटा एक एक घंटे तक आप प्राणायाम करें। जो शक्तिशाली है वो पूरा ऐसे करें, हाथ ऊपर श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे, उनके भीतर शक्ति है वे ही करें। इस बात का ध्यान रखें, पूर्ण युवा और भीतर लंग्स में आपके थोड़ी पावर होनी चाहिए, नहीं है तो फिर आपके एनर्जी ज्यादा लगेगी तो और कमजोरी महसूस होने लगेगी। जो ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा कमजोर हैं, ज्यादा बूढ़े हैं या ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा हुआ रहता है, वे लोग इस तेज अभ्यास को नहीं करना, वो लोग धीरे धीरे करना। सबको नमस्ते, सबका अभिवादन है स्वामी न्यूज के इस कार्यक्रम में। पुनीत जी, सूरज जी, युवराज जी, अभिषेक जी, गौतम जी, आप सबका सादर अभिनंदन। सबसे पहले इसका स्वरूप क्या है, इसका स्वरूप कोविड का क्या है? एक प्रकार का संक्रामक वायरस है जो कि संक्रमण से लोगों के संपर्क में आने से फैल रहा है। कोविड कोरोना जो है, ओम जी नमस्ते ऊर्जा साहब, कोरोना जो है सालों से होता आया है, आज से नहीं हो रहा, 50 साल से भी ज्यादा से होता है। तीन प्रकारों में होता है, ये चौथा प्रकार है जो भयावह दिख रहा है, इसका प्रकार चौथा है। ये संक्रमण फैलाता है नाक से और मुंह से, यही दो द्वार हैं आपके शरीर के भीतर इसके संक्रमण फैलाने के। तो आपको सबसे पहले कारणों को समाप्त करना है, आपके मुंह के मेम्ब्रेन को मजबूत करना है, आपके नाक की मेम्ब्रेन को मजबूत करना है। तो तेल लगा करके तो नाक की हो गई। अब ब्रश करने के बाद, सुबह दांतों करने के बाद आपको बाएं हाथ में, लेफ्ट वाले हैंड में कुछ तेल लेना है। वो तिल का हो सकता है, वो सरसों का हो सकता है, उस तेल को लेना चाहिए। उस तेल को लेकर दाएं हाथ की, राइट हैंड की ऐसे उंगली को लेकर ऐसे मसूड़ों में नीचे ऊपर अंदर सब जगह, जीभ को छोड़ दिया जाए तो सब जगह आपको इस तेल को अच्छे ढंग से इसकी मसाज करनी है। इसको कहते हैं कवल ग्रह। आयुर्वेद के स्वस्थ वृत्त नाम का एक बड़ा सुंदर प्रकरण है ऋषियों का, आयुर्वेद का चरक का है। उस स्वस्थ वृत्त में कवल ग्रह की बड़ी महिमा बताई, हमारी लार अच्छी बनी रहेगी, हमारे मुख की मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, मुंह से कोई वायरस प्रवेश नहीं कर पाएगा, वाणी मधुर और गंभीर बनेगी, बहुत सारे और भी लाभ बताएं। तो कवल ग्रह जरूर करें। दूसरा, उसमें गंडूष गरारे की बात कही, तो गरारे जरूर करें। जिनकी ज्यादा समस्या हो रही है वे लोग गरारे करना शुरू करें। अगर गरारे आप नहीं करेंगे, जिनके बहुत ज्यादा समस्या है वे लोग सेंधा नमक और हल्दी डाल करके गरारे करें। सेंधा नमक और हल्दी के गरारों से आपको विशेष लाभ होगा। और दिन में तीन तीन चार चार बार करें, ये पोस्ट कोविड के पेशेंट्स के लिए बता रहा हूं। जिनको कोविड है वे भी कर सकते हैं तो करें, जिनको नहीं है वे भी एक दो बार किया करें गरारे। इसको गार्गल कहते हैं। ज्यादा किसी के बहुत समस्या है तो बीटाडिन एक मेडिकल से मिल जाती है, बीटाडिन को थोड़ा सा आधा ढक्कन डाल करके या 10 कुछ बूंदे डाल करके आप गरारे कर सकते हैं। ये कुछ सबसे पहला हमने उपाय के रूप में जाना कि हमें उपाय क्या, पहला ये प्रिकॉशन भी है, ये केवल उपाय नहीं है। आपको लगता होगा कि उपाय है, नहीं उपाय नहीं, प्रिकॉशन है, भस्त्री का भी प्रिकॉशन है। ये स्वस्थ व्यक्ति को भी करना है, जो कोरोना से बचना चाह रहे हैं उनको भी करना है, जो कोरोना जिनको हो गया है उनको भी धीरे धीरे करना है, और जिनका ठीक हो गया है उनको भी करना है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम, चास्य प्रयोजनम। योग का और आयुर्वेद का दोनों का यही प्रयोजन है। हम उसी प्रयोजन को लेकर के अजमेर की ही नहीं,
अपितु स्वामी न्यूज के दर्शक हमारे बहुत दूर दूर तक भी रहते हैं। ये तीन तरह से स्वामी न्यूज चलता है, जिसमें एक फेसबुक है, दूसरा यूट्यूब है, तीसरा टेलीविजन पर केबल कनेक्शन से चलता है। तो बहुत दूर दूर तक के दर्शक इस स्वामी न्यूज को देखते हैं। इस स्वामी न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आपको योग व स्वास्थ्य नामक इस कार्यक्रम में कैसे हम स्वस्थ रहे उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा है अनुलोम विलोम राइट को बंद करने में इस मुद्रा को हमें लगाना है। कल हमने देखा था कि इन दो उंगलियों को इन अंगूठे के नीचे हम लगाएंगे, तो इस मुद्रा को हम लगाएं और इस मुद्रा से ही हम प्राणायाम करें। राइट को बंद करने में लेफ्ट से श्वास बाहर, फिर इसी से भरे, फिर दूसरे से बाहर, फिर दूसरे से भरे, फिर पहले से बाहर। ये अनुलोम विलोम करते रहे। यदि आलस्य प्रमाद आ रहा है तो आपको सूक्ष्म व्यायाम बीच बीच में करते रहना है। सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छे ढंग से घुमाएं, दोनों अंगूठों को अंदर मुट्ठियों में और गोल गोल घुमाएं, ऐसे लगातार चलाते रहें, ऐसे ऐसे। इससे लंग्स जो है फैलते हैं, पूरा श्वास भर के ऐसे पीछे तक ले जाए, ऐसे श्वास छोड़ के वापस, ऐसे कानों से भी स्पर्श कराए, कोहनियों को आपस में भी स्पर्श कराए, कानों से भी स्पर्श कराए, ऐसे लंबे लंबे श्वास, दूसरी तरफ से भी। ऐसे लगातार इसको अगर करेंगे तो आपका लंग्स का सिस्टम बड़ा अच्छा रहेगा। तो NSGCD, पहला एन यानी नस्य, एस यानी स्टीम ले, स्टीम का पॉट नहीं हो किसी के पास, कृष्णा जी गुप्ता ओम नमस्ते। आप सभी दर्शक जो लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है। आज हम दिनचर्या के बारे में बताने वाले, कोविड का पूरा पैकेज क्या हो सकता है उसके बारे में बताएंगे, और हमेशा हम स्वस्थ कैसे बने रहे उसके लिए कुछ आयुर्वेद के नियम बताएंगे। तो इसीलिए आज के कार्यक्रम में आप लगातार बने रहिएगा, बिल्कुल रोज से हटकर के कार्यक्रम है। आज नियमावली के बारे में बताएंगे, रोज क्रियाएं करवाते हैं, आज क्रियाएं थोड़ी कम कराएं, कराकर आपको स्वस्थ रहने के नियम बताएंगे। तो इसीलिए लगातार आप बने रहें। तो सबसे पहला NSGCD, एस यानी स्टीम ले, और स्टीमर आता है, एक पात्र भी ले सकते हैं आप, घर का कोई बर्तन भगोना, उसमें गर्म पानी डाल करके उसमें दिव्य धारा पतंजलि में मिल जाती है, उसमें यूकेलिप्टस, उसमें पिपरमेंट, उसमें अजवाइन, उसमें कपूर आदि का इसमें अर्क डला हुआ है, वो आपके दिव्य धारा के कुछ बूंदे टपका करके उसकी स्टीम ले रहे। स्वस्थ व्यक्ति भी, जो स्वस्थ होने के उसके कोविड में चल रहे हैं वे भी, और जो कोविड से ठीक हो चुके हैं उनको भी निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बड़ी आपदा टल गई, लेकिन दूसरी कोई कॉम्प्लिकेशन हमें नहीं आ जाए, इसीलिए आपको स्टीम रोज लेनी है। अभी ठंडा मौसम भी हो गया राजस्थान के कुछ जिलों में, विशेष करके अजमेर में, जयपुर में, इन सब में आपको स्टीम लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वायुमंडलीय ताप दाब और प्रभाव ये जो होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है, ये आप अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत बाद में इसके प्रभाव दिखते हैं। इसीलिए आपको बड़ा सावधान रहना है इस मौसम में भी। लगातार कल रात से बारिश आ रही है और अभी तक आ ही रही है। मेरे हिसाब से आप कई सारे जो अजमेर से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे। तो इस बारिश के लगातार आने के कारण से भी अभी मरीज बढ़ेंगे, तो आपको स्टीम लेनी है, ये ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि मैं तो पूरा स्वस्थ हूं या पूरी स्वस्थ हूं तो मैं क्यों लूं, सबको लेनी है स्टीम। NSGCD, तो गरारे, गला आपका थोड़ा सा खराब लग रहा है, गला बैठा हुआ है, खांसी रुक नहीं रही, तो गरारे करें। और CD विटामिन सी से संबंधित आपको द्रव्यों का सेवन करना है, और D यानी थोड़ा धूप में बैठना, अभी तो धूप आ नहीं रही,
जैसे आएगी तो धूप का सेवन भी आपको करना है। फिर आपको जिसको कहते हैं थोड़ा तनाव कम रखें, स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में तनाव ज्यादा हो जाता है, आपकी भी गलती नहीं है क्योंकि चारों ओर जैसा माहौल देख रहे हैं उससे आप प्रभावित सभी लोग होते हैं, सभी समाज के हिस्से हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा सकारात्मक ऐसे रहें कि आप थोड़ा अपनी गतिविधियों में व्यस्त रहें, थोड़ा गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे, अपनी जो सृजनता है उसमें लगे रहें, कुछ पढ़ते रहें, परिवार के साथ यदि आपको कुछ समय बिताना है उसको बिताएं, लेकिन जो है थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के और टीवी के अखबारों के संपर्क में थोड़ा सा कम रहें, जानकारी रखें लेकिन उसको अतिरेक न करें, वो भी आपके तनाव पैदा कर देती। तो एक तो अणु तेल का, या फिर अणु तेल किसी के पास नहीं है तो देशी घी, देशी गाय का जो घी होता है उस घी को आपको गुनगुना करके आपके इधर दोनों नासिकाओं में लगा सकते हैं, बिना गुनगुना किए भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा आपको कुछ एक दो प्रश्न आए हमारे, वैसे तो प्रश्न तो बहुत सारे आए हैं तो मैं सभी का ही उत्तर दे देता हूं। तो प्राणायाम के पैकेज में क्या किया जाए, तो प्राणायाम में भस्त्रिका किया जाए और क्रियाओं में कपालभाति किया जाए। श्वास को हर बार बाहर फेंका जाता है, एक सेकंड में एक बार फेंका जाता है, 5 से 10 मिनट भस्त्रिका कपालभाति किया जाए और भस्त्रिका को कुंभक के साथ किया जाए, ऐसे जैसे भर लिया और फिर रोक दिया। फिर बाहर छोड़ दिया, फिर भर लिया, फिर रोक लिया, फिर बाहर छोड़ दिया। नमस्ते का भी कुंभक के साथ। अशोक जी नमस्ते जी। और प्रश्न जो आए वो है इसमें क्या और किया जाए कपाल भाती के अलावा, अग्निसार किया जाए। अग्निसार में श्वास पूरा बाहर फेंक करके, और श्वास जब पूरा बाहर फेंका जाता है तो पेट को अंदर खींच लिया जाता है, जैसे ही पेट को अंदर खींचा जाता है तो पेट को अंदर और फिर बाहर, श्वास बाहर ही रुकी रहती है लगातार। भस्त्रिका के बाद कपाल भाती, कपाल भाती के बाद आपको अग्निसार क्रिया करनी चाहिए। फिर जब थक जाए तो श्वास को भर लेंगे। ये आपको अग्निसार क्रिया लगातार करनी है, इससे आपके मेटाबॉलिक रेट अच्छी हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म जब अच्छा हो जाता है ना तो पेट का पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है, पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी बरकरार बनी रहती है। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक तो होती प्राकृतिक और दूसरी होती साधनों के द्वारा बढ़ाई हुई। तो इससे प्राकृतिक इम्यूनिटी जन्म लेगी, दूसरी चीजें आप लेंगे तो वो साधनों के द्वारा बढ़ाई हुई होगी। तो प्राकृतिक इम्यूनिटी हमारी बनी रहे। अग्निसार के बाद उज्जाई करें श्वास को भरते हुए। कल बहुत अच्छे ढंग से आपको उज्जाई बताया था, गले को टाइट करके आवाज करते हुए श्वास को भरा जाता है, इसको कहते हैं उज्जाई, और फिर थोड़ी देर रोका जाता है। और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर, ऐसे उज्जाई को 11 बार करें, 2-3 बार तो हम कर लेते हैं।
राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। ये उज्जाई ये 11 बार करना है, इस पर रिसर्च हो चुका है कि गले के इन्फेक्शन जो लंग्स में उतर जाता है उस गले के इन्फेक्शन को गले में ही रोक करके बाहर निकाल देता है, वहीं खत्म कर देता है। ये उज्जाई है, इस पर बहुत रिसर्च हो चुका है, इसीलिए आपको उज्जाई करना है 11 बार। फिर आगे क्रिया के लिए पूछा कि तनाव को दूर करने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए भ्रामरी और 11 बार उद्गीत, ऐसे गहरा लंबा श्वास भर के। कल बताया था आपको भ्रामरी भी और ऐसे उद्गीत भी। ओ इसमें आंखें नहीं खोलनी, ये भी 11 बार करें। और फिर अधिक बुखार है तो क्या करें, ज्यादा बुखार है तो शीतली और शीतकारी करें। तो ये तो प्राणायाम का पैकेज हो गया। अब हमारे कुछ भाइयों ने जो पूछा आसनों के बारे में, तो वज्रासन, सुप्त वज्रासन जो बैठ करके किए जाते हैं, तो कुछ जो लोग पूछ रहे हैं कि वज्रासन, सुप्त वज्रासन जो कि हमने कल बता दिए थे, तो मंडूकासन, शशकासन और एक जिसको हम वक्रासन और उष्ट्रासन कहते हैं, तो ये आपको आसन करने चाहिए। कार्यक्रम में रोज सिखा ही रहे हम आपको आए दिन, आज केवल बता रहे हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम पिछले कार्यक्रमों में ये सब आसन बता चुके हैं। फिर पेट के बल मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन, और पीठ के बल में उत्तान पादासन, नौकासन जिसको विपरीत करने क्रिया कहते हैं वो, सर्वांगासन, हल आसन, एक पाद नासा स्पर्शासन और उसके अलावा मरकटासन। ये आसन यदि हम कर सकते हैं तो करें, क्योंकि हम सारे कार्यक्रमों में इनको बता के आए। हमारे पिछले कार्यक्रमों में फेसबुक में आप जाएंगे स्वामी न्यूज लाइव के, तो आपको बहुत सारे कार्यक्रम दिख जाएंगे 6 तारीख से लगातार लाइव कार्यक्रमों में, तो वो आपको करना है। अभी तो प्राणायाम करते रहे आप, सुनते भी रहे, प्राणायाम भी करते रहे, अनुलोम विलोम करते रहे, कोई भी एक प्राणायाम कर, आप कपालभाति क्रिया को भी कर सकते हैं, अग्निशाल भी कर सकते हैं, लेकिन आप करते भी रहे सुनते भी रहे। तो एक खाने की दृष्टि से क्या कर सकते हैं, एक शरीर में बहुत सारे रोग हैं तो क्या करें, किडनी प्रॉब्लम कर रही है, फैटी लीवर है तो क्या करें, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो क्या करें, तो आपको सर्वकल्प क्वात जिसमें पुनर्नवा, जिसमें भूमि आंवला और जिसमें मकोए होता है, ये आपको तीनों सेवन करने हैं। या फिर बना बनाया आपको पतंजलि चिकित्सालय के केंद्रों पर मिल जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जड़ी बूटियां लाने के लिए, आपको तीनों ही जड़ी बूटियों का मिश्रण सर्वकल्प क्वात के नाम से मिल जाएगा। इससे लगभग सारी ही बीमारियां ठीक हो जाती है, विशेषकर फैटी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, जिनके पेट की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही वे लोग सर्वकल्प क्वात को सुबह और शाम को खाली पेट भोजन से 1-1.5 घंटा पहले पिया करें, 3-3 बार भी पी सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। यूरिक एसिड को बिल्कुल डाउन ले जाएगा, यूरिक एसिड जिनका इतना बढ़ा हुआ है कि वो शांत नहीं हो पा रहा, उनको जरूर लेना चाहिए सर्वकल्प क्वाथ। बहुत कम कीमत का आता है और बहुत चलता है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, चमत्कार की तरह से काम करता है सर्वकल्प क्वाथ। जिनको किसी प्रकार के दर्द है तो वे लोग दशमूल क्वाथ को ले, वो भी पतंजलि के केंद्र पर मिल जाता है दशमूल क्वाथ। शरीर में कहीं भी दर्द है तो दशमूल क्वाथ का 2 बार सेवन करें प्रतिदिन। जिनको गर्म लगता है काढ़ा, वे लोग काढ़े को थोड़ा ठंडा होने दें, ठंडा होगा फिर लेंगे तो और अच्छा, अच्छे ढंग से आप उसको सहन कर पाएंगे। फिर खांसी ठीक नहीं हो पा रही, एक सवाल आया, तो सितोपलादी चून एक बाजार में मिल जाता है आयुर्वेद के स्टोर्स पर, उसको ले सकते हैं। नहीं जा पा रहे बाजार तो हल्दी का 1/4 चम्मच जो है प्रातः काल खाली पेट सेवन कर सकते हैं, तो ये आपका खांसी के लिए हो गया। और गरारे कर सकते हैं और स्टीम ले सकते हैं और नाक में तेल लगा सकते हैं, दिव्य दारा इधर लगा सकते हैं, गले में लगा सकते हैं, कंठामृत पट्टी है, कंठामृत पट्टी, कंठेल, कंठिका, ऐसे बहुत सारी खांसी को शांत करने के लिए, गले को ठीक करने के लिए आती हैं। आप किसी का भी सहारा लेकर कर सकते हैं, नहीं तो हल्दी आपको बता दी घर में, और शहद और अदरक का भी प्रयोग लोग जानते हैं, उससे भी खांसी शमित हो जाती है, लेकिन सबकी नहीं हो पाती, इसलिए आपको भिन्न भिन्न उपाय बताए। और एक और भाई का प्रश्न आया कि च्यवनप्राश ले सकते हैं क्या, तो च्यवनप्राश आपको यदि शरीर में गर्मी पैदा करनी है तो लीजिए, यदि आपको ठंड यानी कि ठंडक पैदा करनी है, अगर आपको पहले से ही गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा
तो आपको अमृत रसायन का सेवन करना चाहिए, या आंवला प्राश का करना चाहिए, या फिर जिसको बादाम पाक कहते हैं उसका सेवन करना चाहिए। सारे ठंडी प्रकृति की चीजें हैं, मूसली पाक है, ये कब सेवन किया जाता है इसके लिए आगे बताएंगे। लेकिन आप अभी अमृत रसायन को, बादाम पाक को अथवा आंवला पाक को, आंवला प्राश भी आता है उसका, या फिर अमीरी जीवन का, इन दो पांच चीजों का। गौतम जी, कशिश जी, बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपके कार्यक्रम में आज के। तो ये आपको लेना है अमृत रसायन। आप च्यवनप्राश भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, अभी तो ठंडा मौसम हो गया तो च्यवनप्राश लेकर के दूध पी सकते हैं। और रात को दूध पीने के लिए आप जब दूध पीते हैं तो उसमें चौथाई चम्मच सौंठ डाल देंगे, अदरक सूखी हुई, उसका पिसा हुआ पाउडर, उसको सौंठ कहते हैं, वो आप दूध में डालेंगे, उससे भी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपकी खांसी में विशेष लाभ होगा, खांसी ठीक हो जाएगी और नींद बड़ी अच्छी आएगी, हृदय बड़ा अच्छा रहेगा और हमारी नर्वस सिस्टम बड़ा अच्छा हो जाएगा इस सौंठ के लेने से। सौंठ को दूध में जरूर लेना चाहिए। और पूछते हैं हमारे एक भाई कि बुखार ज्यादा आ रहा है तो क्या करें, प्राकृतिक उपाय बताएं, जब आप कह ही रहे हैं कि ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट हो रहे हैं, तो हम कैसे प्राकृतिक रूप से ठीक हो गए। तो सिर बहुत गर्म तप रहा है, सिर तप रहा है तो आपको मिट्टी की पट्टी लगानी चाहिए या पानी की पट्टी लगानी चाहिए, ठंडी पट्टियां सिर पर लगाएं, आपका थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। या ज्वरनाशक वात, ये पट्टियां तो आप घर में लगा ही लें, पपीते के पत्तों का काढ़ा पी सकते हैं, गिलोय का रस ले सकते हैं ताजा ताजा, गिलोय की वटी ले सकते हैं, संजीवनी वटी ले सकते हैं, मां सुदर्शन घन वटी ले सकते हैं, मां सुदर्शन क्वाथ ले सकते हैं, ज्वरनाशक क्वाथ ले सकते हैं, श्वासारी क्वाथ ले सकते हैं, गिलोय का क्वाथ ले सकते हैं। इतनी सारी चीजें बताई, ये सब आपको आयुर्वेद के और पतंजलि के केंद्र पर मिल जाएगी, नहीं तो घर में कुछ भी नहीं है तो आपको पपीते के पत्तों का रस काढ़ा पीने से भी बुखार में विशेष लाभ होता है। ये आपको 2 से 3 बार रोज करना है, गिलोय का ताजा रस निकाल करके, गिलोय की डंडी चबा करके अथवा गिलोय की घनवटी लेकर के भी आप अपने बुखार को शांत कर सकते हैं। 1-2 दिन तो चलेगा लेकिन हो जाएगा शांत, आपको अंग्रेजी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा हमने इतने सालों पर प्रयोग किया है, अपने ऊपर भी हमने कई बार प्रयोग किया तो हमें तो इन सब चीजों से रिलीफ हो जाता है, हमने ऐसा देखा है। फिर भी आपातकाल हो तो अलग बात है, बाकी जो है आपको इन्हीं चीजों से अपना जो है उपाय करना चाहिए, नहीं तो फिर आफ्टर इफेक्ट के रूप में बड़ा नुकसान हो जाता है, जैसा अभी देखने में आ रहा है। अभी और बहुत सारे केसेस आएंगे, मैं आपको डरा नहीं रहा, सुबह सुबह मैं ये बता रहा हूँ कि एलोपैथिक दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो जरूरी नहीं है एक दिन में दिख जाए, कई कई महीनों बाद, कुछ सालों बाद भी दिखते, तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर एक हवन करें आप, हवन के बारे में भी एक भाई पूछ रहे हैं, विशेष रूप से इसमें क्या डालें, और कुछ भी घर में नहीं तो नीम डाल लें, नीम के पत्तों को चूर्ण करके वो डाल लें, और गिलोय को सुखा करके उसके टुकड़े डालें, और उसके अलावा क्या डालें, आपके घर में अजवाइन और लौंग है उनको डालें, कपूर है उनको डालें, गिलोय है, गुग्गुल है जो सुगंधित होती है वो उसको डालें, नहीं तो हवन सामग्री है तो उसको डालें, लकड़ियां मिलती हैं पीपल की सूखी आम की, वो अच्छी बात है, नहीं तो बाजार से मिल जाती है पैकिंग में, वो नहीं मिल पा रही तो उपले होते हैं गाय के उससे करें, कैसे भी करें लेकिन हवन करें। हवन में 4-5 चीजें जरूर डालें, नीम डालेंगे तो आपका वातावरण बड़ा अच्छा हो जाएगा। लौंग, आपको लौंग के अलावा कपूर डालना है, कपूर यदि अच्छा बढ़िया सा मिल जाता है देशी कपूर तो डालें, तो जरूर ऐसा करें। हवन अगर आप रोज करेंगे तो आपको हवन से विशेष लाभ होगा। जल नीति का अभ्यास हमने पिछली बार सिखाया था, तो एक भाई का प्रश्न आया था कि जल नीति करे तो सही लेकिन आप सिखाए, तो मैंने इस कार्यक्रम में 5-4 दिन पहले सिखाया है, तो आपको जल नीति और सूत्र नीति करनी चाहिए, वो हमारे इस नाक के अंदर जमे हुए सारे कफ को निकाल फेंकती है बाहर, और हमारे जो ये नेजल ट्रैक है, ये जो थ्रोट का ट्रैक है, इस पूरे को साफ कर देती है, तो हमारा वायरस अंदर नहीं उतरने पाता, कभी भी लंग्स में नहीं उतरने पाएगा, जिससे कि हम अपने लंग्स को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। और फिर प्राणायाम करते रहे, ये जरूर करें। प्राणायाम तो किसी भी स्थिति में आपको छुट्टी छूट नहीं है, बाकी सब चीजें आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं,
ज्यादा कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम जरूर करें, कुंजल करें। कुंजल के बारे में बताया कि अगर कुंजल आपने कार्यक्रम में सिखाया नहीं तो सिखाएंगे बहुत जल्दी, 2-3 दिनों में आपको कुंजल सिखाएंगे, 2-4 दिनों में कुंजल का भी अभ्यास। इसी कार्यक्रम में आप जुड़े रहना, बहुत जल्द हो सकता है कल भी सिखा देंगे, हो सकता है परसों भी सिखा देंगे, आप लगातार जुड़े रहेंगे तो पता लग जाएगा। ध्यान प्रतिदिन ध्यान अवश्य करें, आपको 1-2 दिनों के बाद ध्यान का भी यही सत्र लेंगे। तो मेडिटेशन कैसे करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, कैसी मन स्थिति हमारी होती है, कैसे बैठते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं, कैसे मन को कंट्रोल करते हैं, कैसे प्रत्याहार लगाते हैं, कैसे धारणा होती है, कैसे ध्यान लगाते हैं, कैसे समाधि के बारे में और चीजें जानते हैं, ये सब चीजें हमें आगे बढ़ाने का काम करती है। फिर और दिनचर्या के संबंध में हमारे कुछ भाइयों ने प्रश्न किया कि ये घबराने के कारण जो है लोग परेशान हो रहे हैं, कईयों के हार्ट रेट रुक जाती है, कईयों का ब्लड प्रेशर की वजह से किसी तरह से वो मृत्यु के ग्रास होते जा रहे हैं, तो क्या करें उसके लिए। तो उसके लिए थोड़ा माहौल बदले, माहौल क्या बदले, रहते तो घर में ही कैसे बदलेंगे, तो घर में रहते हैं फिर भी आप माहौल बदल सकते हैं। आप अपने किसी एक गतिविधि को प्रारंभ कर देंगे जो आप कई वर्षों से सोच रहे हैं कि इसको मैं करूंगा, सूक्ष्मायाम करें, जब तक सुनते भी रहें करते भी रहें, तो आप उस गतिविधि को करें। उस गतिविधि में जैसे आपको विचार करना है कि मैं सब परिवार के साथ बैठ करके कोई विशेष कार्यक्रम देखूंगा, टेलीविजन पर देखूंगा, तो उस कार्यक्रम को आप देखें, खूब समय लगाएं, उनके साथ खेल खेलें, उनके साथ कुछ स्वाध्याय करें, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें, श्वास पूरा भर के ऐसे दबाएं सिर को, ऐसे कंपन होगा, इस कंपन को अनुभव करें, श्वास छोड़ करके फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर से श्वास भरें, राइट साइड में श्वास छोड़कर फिर से लेफ्ट साइड दबाए पूरा, लगातार करें, लगातार 3-3 बार इधर से, 3-3 बार इधर से, 3 बार सामने से, फिर इधर से, तो थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायामों को जरूर समय दें। फिर दोनों ऐसे कोहनियों को, ऐसे कलाइयों को यहां से बीचों बीच पकड़ ले, श्वास बाहर ऐसे दबा, गर्दन सीधी रखते, फिर श्वास भरते वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, फिर वापस आ, ऐसा कुछ किया करें, गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करें, श्वास भरते हुए पीछे तक ले जाए और श्वास छोड़ते वापस आ जाए, ऐसे दूसरी तरह से भी, सूक्ष्म व्यायाम करते रहें। सूक्ष्म व्यायाम करते रहने से हमारी स्ट्रेंथ बनती है छोटी छोटी नसनाड़ियों की, अंगों के जोड़, कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं ना, वो हमारे अच्छे स्ट्रांग बनते हैं, संयोजी ऊतक, इनकी अच्छी एक्सरसाइज होने के कारण से इनमें और स्ट्रेंथ बनती है। तो हमारे हड़बड़ाहट और भय को छोड़े, माहौल बदलेंगे तो उसका ये है, और सही ज्ञान रखें। आपको फिर बता दूं, कोरोना से मृत्यु नहीं होती है, कोरोना के कोविड के संक्रमण 90% फेफड़ों में जाने के बाद भी लोग ठीक होकर के लौटे हैं वापस, कोरोना के संक्रमण से व्यक्ति मरता नहीं है, मरता तनाव से है, मरता भय से है और मरता और बीमारियों से है, कोरोना के संक्रमण से नहीं मरता है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो। कोरोना हो जाएगा तो भी ठीक हो जाएंगे, जो योग करता होगा 3 से 4 दिनों में ठीक हो जाएगा, जो योग नहीं करता होगा वो भी प्रयास करेगा, होने के बाद भी वो भी हो जाएगा, 5-10 दिन लगेंगे लेकिन हो जाएगा। पोस्ट कोविड वालों को भी करना है, ये सबको करना है। तो आपको कोविड से पहले तो घबराना नहीं है, सही जानकारी रखें, सही जानकारी हम इस कार्यक्रम में देने का पूरा प्रयास करते हैं,
सही जानकारी कोविड के बारे में आपको होगी तो आप जो है इसके तनाव में नहीं आएंगे। दूसरा, ध्यान मेडिटेशन करें, ये स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी ये सब का उपाय है, इसको करेंगे तो आपका एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन चिंता तनाव भय अधूरापन मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ये सब दूर हो जाएंगे। आपको तनाव नहीं रखना। और फिर हमारे हार्ट अच्छा नहीं होता, उसकी इजेक्शन इन्फेक्शन जो रेट है, उसकी जो धड़कने की रेट है वो अच्छी नहीं होती, तो वो प्राणायाम से अच्छी हो जाएगी। अनुलोम विलोम करते रहे, ऐसे यदि आप अनुलोम विलोम करते रहेंगे तो आपकी इजेक्शन इन्फेक्शन रेट अच्छी हो जाएगी, तो वो अच्छी हो जाएगी तो आपके लंग्स, आपका हार्ट बड़ा स्वस्थ रहेगा। जिसका हार्ट स्वस्थ रहता है उसके हार्ट के धड़कने की गति बिल्कुल सामान्य रहती है, उसकी पल्स घट जाए अथवा बढ़ जाए तो भी चिंता की बात नहीं, हार्ट बीट घट जाए बढ़ जाए कोई चिंता की बात नहीं, उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा। कल आपको बताया था हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के उपाय, कल लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने के उपाय बताए, आपको वो चीजें रोज करनी है। ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं लो ब्लड प्रेशर भी नहीं। फिर कल कौन सी चाय, कल कौन सा काढ़ा बनाना चाहिए वो भी हमने कल बताया था, तो दालचीनी और मुलेठी इन दोनों को डाल करके आप काढ़ा बना सकते हैं, इसी की चाय बना के पी सकते हैं। आपको लगता है मेरे शरीर में बहुत गंदगी है, डिटॉक्स करना है बॉडी को, तो आपको दालचीनी की और मुलेठी की चाय बना करके पीनी चाहिए, शरीर की सारी गंदगी मलमूत्र के द्वार से बाहर निकलती जाएगी। एक तो ये, दूसरा मन कमजोर है, मन कमजोर है, एक भाई का और आया कि तो दीवार के सारे दंड लगाया, अगर दंड लगा सकता है श्वास भर के ऐसे दंड लगाए, तो दंड लगाएंगे तो थोड़ा और स्ट्रेंथ बनेगी और मन में से जो ये नकारात्मक विचार है ना वो बाहर निकल जाएगा, और जब ये बाहर निकल जाएंगे तो मन मजबूत हो जाएगा। मन मजबूत उस व्यक्ति का होता है जो व्यायाम पर्याप्त करता है और अनुलोम विलोम प्राणायाम और दूसरे प्राणायाम भी कर लेता है, उसका मन मजबूत हो जाता है। या फिर दंड आपको जमीन पर जोर आता है तो आप ऐसे दीवार के सहारे अथवा पलंग के सहारे अथवा किसी और ऐसे वस्तु के सहारे से श्वास पूरा भर के या एक ही श्वास में भर सकते हैं, एक श्वास भर के ही लगा सकते हैं पूरा पूरा दीवार के सारे खड़े होकर के, हम तो बैठे हुए हैं अभी लेकिन आपको खड़े होकर के लगाना चाहिए। तो ये है हो गया दंड लगाने के, आपको तरीके बताए कि कैसे कैसे लगाई जा सकती है। और बोलते हैं एक और कि खाली पेट हम क्या लेवे, तो खाली पेट आपको हल्दी का चूर्ण बता दिया, हल्दी पीसी भी बता दी, काढ़े में भी बता दिया काढ़ा कौन सा लेवे, वो भी प्रश्न आया था एक बहन जी का। और ये संतरा मौसमी और अंगूर, ये कह रहे हैं कि फल कौन कौन से लेने, तो संतरा ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, अंगूर भी ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, केले और आम से और खरबूजे से और तरबूज से, खरबूजा तो चलो बाकी तरबूज ले सकते हैं। आपको केला आम खरबूजा इन फलों से बचना है अभी, ये अभी फल आपको कोविड वालों को पोस्ट कोविड वालों को अभी नहीं लेने, ये ध्यान रखना, नहीं तो ये गलत फलों को के कारण भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। फिर और क्या कह सकते हैं, और क्या कह रहे हैं, नींबू, नींबू पानी ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं नींबू पानी। होम्योपैथिक की कल आपको एक औषधि बताई थी अश्वगंधा, इसमें बहुत बढ़िया काम कर रही है, इस पर क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है और एनिमल ट्रायल हो चुका है, मनुष्यों के ऊपर भी ट्रायल हो चुका है। तो अश्वगंधा मदर टिंचर के नाम से होम्योपैथ में एक दवा मिलती है होम्योपैथी में, तो अश्वगंधा मदर टिंचर की आपको 10-10 बूंदे 3 बार टपका करके पानी में सेवन करनी है, जिससे कि आपका इम्यूनिटी स्तर बहुत टॉप पर ग्रो कर जाएगा, बहुत टॉप। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल योगाभ्यास कर रहे हैं और दूसरा अश्वगंधा के मदर टिंचर का प्रयोग कर रहे हैं, बस इसी से आपका इम्यूनिटी स्तर बहुत बढ़ जाएगा। तो आपको एक तो ये बड़ा अच्छा उपाय मैंने बता दिया। और आहार में कह रहे हैं कि क्या लेने, तो खाने से पहले सलाद लेने, मैंने कल आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया था कि सलाद में क्या क्या लेना चाहिए, खीरा करेला
नहीं, खीरा, टमाटर और ककड़ी, इसका विशेष सलाद लिया जा सकता है, बाकी फलों का भी ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको सलाद, हल्दी, नींबू पानी और प्राणायाम, इनका प्रत्येक दिन चारों का सेवन करें। सलाद, हल्दी, नींबू पानी और प्राणायाम, इन सब का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाएगा तो बहुत सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी आपको, इन कुछ चीजों से हो जाएगा। हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं कि काढ़े की तासीर गर्म होती है क्या गुरु जी? तो काढ़े की तासीर गर्म तब होती है जब इसमें गर्म पदार्थ डालते हैं। जैसे आपने इसमें अदरक भी डाल दिया, जैसे इसमें आपने तुलसी भी डाल दिया, जैसे आपने इसमें काली मिर्च भी डाल दी, ऐसे गर्म चीजें डालेंगे तो आप काढ़े की तासीर गर्म कर लेंगे। फिर इसको गर्म गर्म, ज्यादा बहुत तेज गर्म होता है चाय की तरह, वैसे पी लेते और रात को पी लेते तो ये गर्मी करेगा आपको। सुबह उठ करके या दोपहर में अगर पियेंगे तो, और इसमें जो जो चीजें आपको बताई है ना वही डालना, तो वो चीजें डालने से ये गर्म नहीं होगी। मेरे हिसाब से आप दो से ज्यादा कोई चीजें ना भी डालें तो भी चलेगा, काढ़ा बहुत अच्छा काम करेगा। मुलेठी, इसका पाउडर बना बनाया मिलता है, पिसी हुई मुलेठी मिल जाती है और दालचीनी भी पिसी हुई मिल जाती है, दोनों का आधा आधा चम्मच डाल करके आप काढ़ा बना सकते हैं। एक व्यक्ति की सेवन की मात्रा है और उस काढ़े को पिए, गर्म नहीं लगेगा, ये पक्की बात है, दो समय तक पी सकते हैं। तो तासीर काढ़े की गर्म तब होती है जब बहुत गर्म, इसको गर्म पदार्थों को डाल करके इसको बनाया जाता है। तो ये हमारे कुछ मित्रों के प्रश्न थे। अब आपको स्वस्थ रहने के कुछ सूत्र बताते हैं। जिनको स्वस्थ रहना है वे लोग दक्षिण में मुख और उत्तर में उनके पैर, दक्षिण दिशा में उनका सिर और उत्तर दिशा में उनका पैर, ऐसे होते हैं, ऐसे सोते हैं तो ज्यादा अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ऐसे ही पूर्व दिशा में मुंह और पश्चिम दिशा में उनका पैर, ऐसे अगर सोया जाता है तो भी ज्यादा स्वस्थ रहा जाता है। दिशाओं का बोध है, ये चुंबकीय शक्ति है ना पृथ्वी की, सूर्य से और अन्य अन्य ग्रहों से, मकर रेखा, अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब रेखाओं के कारण से पृथ्वी की एक चुंबकीय आभा बनती है। उसके कारण से पृथ्वी पर कहीं पर ताप, कहीं पर दाब और कहीं पर चुंबकत्व अधिक और कम होता है, वो सभी मनुष्यों के ऊपर रहता है। तो जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है उनको भी आप दक्षिण दिशा में मुख और उत्तर दिशा में उनके पैर ऐसे करके यदि सुलाएंगे तो उनकी हाइट भी बढ़ने लगेगी, कि शरीर विस्तार लेने लगेगा। ये हमने प्रयोग करके देखा है, उस पर विशेष लाभ हुआ भी है। तो ये पहला पहला तो आप सोने का ध्यान रखें। दूसरा, प्रतिदिन आपको कुछ चीजों का सेवन जरूर करना है। कुछ चीजों के सेवन में आपको मूंग की दाल आप ले सकते हैं, शहद, मुनक्का, अदरक या सौंठ और उसके अलावा अनार, ये चीजें जितनी भी आपको उपलब्ध हो जाए उतनी उतनी आपको रोज सेवन करनी ही चाहिए तो आप ज्यादा अच्छे। तीसरा, भोजन को आप बहुत चबा चबा करके खाएं। अक्सर 32 दांत दाढ़ों सहित होते हैं, हम लोग भोजन चबा करके नहीं करते, नहीं करते तो फिर होता है, दिक्कत ये होती है कि हमारा भोजन पूरी तरह से अंदर पेस्ट नहीं बनता, पेस्ट लिक्विड नहीं बनता, तो फिर अंदर जाकर के वो बिल्कुल ऐसा साबुत चला जाता है, आंतों में समस्या पैदा करता है। आंतों में तो पीसने की कोई मशीन है नहीं, तो आपके साथ दिक्कत ये आती है कि फिर वो आंतें उसको पचा नहीं पाती, फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी, अम्ल पे तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं और आपका पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। तो इसीलिए आपको भोजन को बहुत चबा चबा के करना है। ये ऑक्सीमीटर है, इसको मैं ऑन कर रहा हूं और इसमें उंगली मैंने लगाई है, आपको दिख रहा होगा ये ऑक्सीमीटर मेरे ऑक्सीजन लेवल को चेक कर रहा है। इसमें पल्स भी दिखा रहा है, 97 ऑक्सीजन लेवल है। ये भस्त्रिका किया, अनुलोम विलोम किया, ये ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल मेंटेन चल रहा है, आपको दिख रहा है। पल्स जो है घट बढ़ सकती है, ये ऑक्सीजन लेवल 98 है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता और घटता रहता है। इसकी यदि उंगली में ठीक ढंग से इसको फिट नहीं करेंगे तो भी ये बीच में इसका लेवल खाली हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये चेक कर रहा है अभी,
अनुलोम विलोम करते रहे। कभी आपको एक बड़ी अच्छी अचरज भरी बात बता दिखाते, ये 99 ऑक्सीजन लेवल आपके सामने दिख रहा है। अब इस 99 ऑक्सीजन लेवल को हम घटाते हैं, अपने प्राणों को तुरंत थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। आप केवल देखिएगा, ऑक्सीजन लेवल 61 और घट रहा है, 59, 58, 57, 58। अब अनुलोम विलोम कर रहे हैं, हंड्रेड ये ऑक्सीजन लेवल है। पल्स भी आप देख सकते हैं, पल्स भी कोई ज्यादा घटी बड़ी नहीं है, अभी भी 85 चल रही है। 100 ऑक्सीजन लेवल है। ये योग करके व्यक्ति का, जिसका प्राणों पर कंट्रोल है, नियंत्रण है ना, वही व्यक्ति कर सकता है। फिर से एक बार इस प्रयोग को देख लेते हैं। ऑक्सीजन लेवल अभी 58 तक था, धीरे धीरे 60, फिर 64, 63, 61, 59, 100। ये देखो 10 से 20 सेकंड में घटा दिया, 20 सेकंड में, और 5 से 10 सेकंड में वापस बढ़ा दिया। ये ऑक्सीजन लेवल आपके हाथ में है। आप किसी गलत फहमी में मत रहो कि ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा तो हमें अस्पताल जाना पड़ेगा, कुछ नहीं। रोज प्राणायाम करो, आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। प्राणायाम क्या करो और क्या किया जाए, तो कुछ शौच जाने से, कुछ जो है आपको वेगों को रोकना नहीं है। अधारणीय वेग है बताए हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथों में, तो आपको भूख को रोकना नहीं, जब भूख लगे तो उसकी तुरंत निवृत्ति करें। प्यास को रोकना नहीं, आपको मल के मूत्र के वेग को रोकना नहीं है, तुरंत उनकी निवृत्ति करनी है। उसको जम्हाई को, डकार को, छींक को,
और उल्टी को, वमन के वेग को, इन सब को, हंसी को, रोने को, इनके वेग को आपको रोकना नहीं है। इनको रोकेंगे तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा, और फिर बीमार हो जाएगा तो फिर आप इसको ठीक करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। खांसी के वेग को नहीं रोकना, पसीने के वेग को नहीं रोकना, जो मेहनत की हुई है उसका पसीना जो आया है, इस पसीने के वेग को भी रोक देते हैं। कुछ क्या करते हैं, टाइट टाइट कपड़े पहन लेते हैं, और टाइट टाइट कपड़े पहन करके इसके वेग को एक तो रोक देते हैं, दूसरा पसीना आता ही नहीं है, शरीर ढीला रहता ही नहीं है तो पसीना आएगा ही नहीं। दूसरा तरीका क्या करते हैं, जैसे ही पसीना आया तुरंत पंखा चला देंगे या फिर एसी ऑन कर देंगे तो भी पसीने का वेग रुक जाता है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, ऐसी गलती करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, और अगर बीमार हो जाएंगे तो फिर आपको फिर उसके लिए फिर बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। रितु जी, गौतम जी, आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आपको बहुत कुछ बताया, आपने भी बहुत कुछ जाना, तो मेरे हिसाब से आप लोगों के में से किसी के, मेरे को लगता है नहीं है कि कोई आज प्रश्न है, तो आज के कार्यक्रम को हम, ये जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, कुछ एक और नियम बता देते हैं कि प्रत्येक दिन या फिर हफ्ते में 4 से 5 दिन आपको धूप में लगभग सारे कपड़े उतार करके एक दो आवश्यक कपड़ों को पहनकर धूप में आपको लेटना चाहिए। आंखों पर अथवा सिर पर थोड़ा कपड़ा आदि रख लें ताकि सिर के बालों को नुकसान नहीं हो। बाकी आपको यहाँ चेहरे पर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे धूप, आपको लगता है कि मेरा रंग काला ना हो जाए, तो चेहरे पर और सिर पर कुछ ओढ़ लें, बाकी पूरे शरीर को आधे से एक घंटा सूर्य में लेटाएं, सन बात करें, सूर्य स्नान लें, धूप स्नान लें। यदि ऐसा करेंगे तो आपका शरीर ज्यादा अच्छा स्वस्थ बना रहेगा। सन बात जो करता है, सूर्य स्नान जो करता है, वह व्यक्ति स्वस्थ बन जाता है। और अपने कमरे में यदि आप हैं तो वायु स्नान करें। आप कमरे में अकेले हैं, मान लीजिए अकेले ही रहते हैं, तो आप वायु स्नान करें, एक दो आवश्यक वस्त्रों को पहन लेवे, बाकी पूरे वस्त्रों को त्याग देवे। ऐसे अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, गर्मी का टाइम है मान लीजिए, तो घंटा दो घंटा आपको वायु स्नान करना चाहिए, एक दो आवश्यक कपड़े हो जाए, बाकी सारे वस्त्रों को हर समय पहन कर ना रखें। अगर आप अकेले रहते हैं, अपने कमरे में अकेले ही निवास करते हैं, तो आपको वायु स्नान, जब शरीर में वायु लगेगी ना तो आपकी स्किन बड़ी अच्छी हो जाएगी और स्किन से अंदर जाती है। अगर हम सोचते हैं कि हम केवल नाक से ही श्वास भरते हैं तो ऐसा नहीं है, आप पूरे सारे शरीर के रोम छिद्रों से श्वास भरते हैं, वास्तव में तो ऐसा ही है। तो आपको वायु स्नान भी करना है, आपको धूप स्नान भी करना है। जिनके शरीर में कुछ आधा शरीर बिना ढके, बिना कपड़े के ढके धूप में बैठ सकते हैं, तेल लगा, जिनके शरीर में कुछ समस्याएं हैं, ल्यूब्रिकेशन कम हो गया है, त्वचा की प्रॉब्लम आ गई है, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गया है, घुटनों में कटकट की आवाज आना शुरू हो गई, तो क्या करें, वे लोग तेल शरीर में लगा करके फिर बैठेंगे धूप में, और फिर धूप में बैठकर आप चाहें तो प्राणायाम भी कर सकते। ये ऐसा आपको धूप स्नान और सूर्य स्नान और वायु स्नान दोनों बता दिए। ये खाना खाने के बाद में धूप में या आग के पास में आपको नहीं बैठना है, ये सावधानी रखनी है पूरी तरह से। खाना खाने के बाद में धूप में नहीं बैठना है, ना ही आग के पास में। सामान्य सा नियम है आयुर्वेद का कि सूर्य का सेवन सामने से नहीं किया जाता और अग्नि का सेवन पीछे से नहीं किया जाता। सूर्य का सेवन सदा पीछे से करें, मतलब चेहरे पर धूप नहीं लगनी चाहिए, पीछे से सेवन, मतलब पूरी तरह से पीछे से धूप आ रही है ना। और दूसरा, अग्नि का सेवन सदा सामने से, अग्नि पीछे से सेवन नहीं की जाती, अग्नि तो सदा सामने से की जाती है, जैसे हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं तो सामने हमारे होता है। तो ये थोड़ी सी आपको विशेष बातें बताई हैं, इन बातों का आप ध्यान रखें, और श्वास पूरा भर के आज की हास्यासन के इस क्रिया को हम करेंगे। हास्यासन की क्रिया के लिए सभी अपनी स्थिति में आ जाएं, और सभी अपनी स्थिति में आने के बाद अपने श्वास को पूरा भरें, और ऐसे लस्सी, हलवाई हंसी, दोनों हाथों में गिलास, आपको जो भी द्रव्य पेय पसंद है आप समझें कि इसमें वही भरा हुआ है, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए, ठीक है। और खूब आप आंखें बंद करके भी हंस सकते हैं, किसी को हंसी नहीं आ रही तो हमें देख कर हंस सकते हैं। ओ ओ
और दोनों को ऐसे पी जाए, ऐसे हास्यासन। अब हंसेंगे तो खुश भी रहेंगे। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, हाँ बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, हाँ अमृत बरसेगा, तुम करो योग अभ्यास जीवन सुधरेगा, तुम करो योग अभ्यास तन मन सुधरेगा, हाँ सुधरेगा नित सुधरेगा, सुधरेगा नित सुधरेगा, तुम करो योग अभ्यास तन मन सुधरेगा, तुम करो प्रभु से प्यार जीवन सुधरेगा, हाँ तन मन सुधरेगा, हाँ जीवन सुधरेगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। सबके कल्याण के लिए मंगल कामनाओं को करते हुए आज की कक्षा को हम यहीं पर पूरा कर रहे हैं। फिर भी आपको कोविड से, पोस्ट कोविड से और कोरोना से संबंधित और भी कुछ जानकारियां चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको पूरा चार्ट भेज देंगे। मेरा मोबाइल नंबर 9828650092 है। आज की कार्यक्रम को यहीं पर पूरा कर रहे हैं शांति पाठ के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शकों का, जो स्वामी न्यूज के दर्शक हैं वे भी और उसके अलावा भी, इस कार्यक्रम को और भी कई स्थानों पर देखा जाता है। स्वामी न्यूज के नियमित दर्शक जो हैं उनको, जो नए जुड़ते हैं उन सब का, सभी योग साधकों का, जो नए योग करने के लिए बिगिनर्स जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी न्यूज के इस पूरे परिवार का धन्यवाद। स्वामी न्यूज अजमेर की इस पूरी टीम का धन्यवाद जो लगातार ऑनलाइन कार्यक्रमों को चलाती है और फिर आपको ये कार्यक्रम यूट्यूब पर भी डाल करके देती है। आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा यही कार्यक्रम और फिर जो टेलीविजन चलाते हैं उनको टेलीविजन पर भी आजकल में प्रसारित होकर के दिख जाएगा। तो जो इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं उन लोगों को भी ये कार्यक्रम घर बैठे उनके टीवी पर चल जाता है। तो आज के कार्यक्रम को इतना ही रखते हैं। सबको सादर नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम, प्रसन्न रहिए, घर में रहिए, योग करिए, योग करो, कोरोना भगाओ, करो योग, रहो निरोग। तो आप सबको इसी नारे के साथ में विदा लेते हैं। सबको नमस्ते, धन्यवाद। आप